फरियाद पूरी फिर भी गोवंश छुट्टा, मुख्यमंत्री योगी नाराज, 5 अप्रैल तक रिपोर्ट भेजने के दिए निर्देश। 1 अप्रैल तक सभी छुट्टा गोवंश को गो आश्रय स्थलों में भेजने की मियाद पूरी हो गई। बावजूद इसके गोवंश के छुट्टा घूमने पर सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद खफा हुए। उन्होंने पशुपालन विभाग अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि तत्काल सभी नोडल अधिकारियों को उनके क्षेत्रों में भेजे, 5 अप्रैल तक रिपोर्ट पेश करें कि कितने छुट्टा पशु गो आश्रय स्थलों में हैं और कितने बाहर हैं। यदि गो आश्रय स्थलों में उनके भूसे चारे आदि के लिए धन की आवश्यकता है तो 1 सप्ताह के भीतर पैसा सीधे डीबीटी से जारी कर दिया जाएगा। सभी गोवंश को गो आश्रय स्थलों में भेजा जाए। वे सोमवार को लोक भवन में निराश्रित गो आश्रय स्थलों के प्रबंधन की समीक्षा कर रहे थे। सीएम ने भी निर्देश दिए थे कि 1 अप्रैल को एक भी छुट्टा पशु बाहर न रहे। इस बाबत सोमवार को बैठक में पूरी रिपोर्ट पेश करनी थी, पर पशुपालन विभाग शत प्रतिशत पशुओं को गो आश्रय स्थलों में भेजने के लिए रिपोर्ट पेश नहीं कर पाया। इस पर सीएम नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारियों को मंडलों में भेजकर तत्काल सत्यापन कराएं, 5 अप्रैल तक पूरी रिपोर्ट पेश करें। जहां धन की आवश्यकता है वहां रिपोर्ट भेजने के 1 सप्ताह के भीतर संबंधित ग्राम समिति या देखभाल करने वाली संस्था को सीधे पैसा उनके खातों में भेजा जाएगा। और कहा कि गोवंश के संवर्धन तथा संरक्षण के साथ साथ पशुपालकों के प्रोत्साहन के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, पात्रों को इनका लाभ मिलना सुनिश्चित कराया जाए। बैठक में पशुधन धर्मपाल सिंह, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री SP गोयल आदि मौजूद थे। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 6,719 निराश्रित गो आश्रय स्थलों में 11,33,000 से अधिक गोवंश संरक्षित हैं। 20 जनवरी से 31 मार्च तक चलाए गए विशेष अभियान के तहत 1,23,000 गोवंश संरक्षित किए गए। जनपद संभल, मथुरा, मिर्जापुर, शाहजहांपुर, संत कबीर नगर, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और फरुखाबाद में सर्वाधिक गोवंश संरक्षित किए गए हैं। सीएम ने कहा कि यह परिणाम अच्छे हैं, पर यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कोई भी गोवंश निराश्रित न हो। उन्हें चरणबद्ध रूप से सभी जिलों में इसी प्रकार से गो आश्रय स्थलों में पहुंचाया जाए। 1,77,000 गोवंश आम लोगों को दिए। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत अब तक 1,77,000 से अधिक गोवंश आमजन को सुपुर्द किए गए हैं। कुपोषित बच्चों वाले परिवारों को दूध की उपलब्धता के लिए पोषण मिशन के तहत 3,598 गोवंश दिए गए हैं। सीएम ने कहा कि गोवंश की सेवा कर रहे सभी परिवारों को 900 रुपए प्रति माह की राशि हर महीने उपलब्ध करा दी जाए। गोवंश सत्यापन के लिए स्थानीय स्तर पर उपजिलाधिकारी स्तर के अधिकारी को नामित किया जाए। अंत्येष्टि में 50% फलों का प्रयोग, सीएम ने कहा कि अंत्येष्टि स्थल शमशान घाट पर उपयोग की जाने वाली लकड़ी में 50% गोवंश उपला, गोईठा, कंडा का उपयोग किया जाए। यह निराश्रित गो आश्रय स्थल से उपलब्ध कराया जाएगा। इससे होने वाली आय उस गो आश्रय स्थल के प्रबंधन में उपयोग हो सकेगी। प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों और नगर पालिका परिषद वाले जिला मुख्यालयों पर कैटल केचर वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।